तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जो आप लोगों की आंखों में रौंद देगा चीजें, मतलब ऐसा कुछ ऐसा जो आप बोलोगे कि एनिमेट कर रखा है, एआई जनरेटेड है, बट लिटरली रियल है। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। ओ गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए पार्वती कुंड मंदिर में। ओ नंदन बोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। वो दूर पहाड़ में भालू दिखा हमको, मतलब बाबा के साथ साथ हमको भालू के दर्शन हो गए। देखो देखा भालू है वहाँ भाई, उन्हें तो दिखाया। रियल कॉमेडी। सो गाइस आज है हमारा डे 3, तो आज हम जा रहे हैं फाइनली आदि कैलाश को, और आदि कैलाश के रूट में कल हम रुके थे नाभी में, तो नाभी से निकलते हुए हमको इतना बढ़िया सीन दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आय हाय, सामने पहाड़ और सामने ये देखो नदी बह रही है, मजा ही आ गया, बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। और सामने मैं ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड की मूवी चल रही है, रोज रुक जाते हैं। कौन है? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे महादेव, ये दिखाते हैं। तो गाइस मजा आने वाला है, तो बहुत बोलो ऐसा लग रहा था, मेरे से हॉलीवुड वाला सीन लग रहा है, सामने ऐसे हॉलीवुड वाले पहाड़ लग रहे हैं, मुझे सच में नहीं लग रहा हॉलीवुड वाला। ऑब्वियसली ब्रो, देखो ना भयंकर नेचर, देखो हॉलीवुड वाले पहाड़ लग रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर बाद बर्फ के पहाड़ आने वाले हैं, तब तो और मजा आएगा, बट ये सीन चेक करो गाइस। आए हाय, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत मतलब ऐसा जो आप लोगों की आंखों में रौंद देगा चीजें, मतलब ऐसा कुछ ऐसा जो आप बोलोगे कि एनिमेट कर रखा है, एआई जनरेटेड है, बट लिटरली रियल है। दिखाऊं? थोड़ा ध्यान से आया करो ना, गाड़ी गिर गई, देखो ये गाड़ी गिर गई है भाई, ये हाय हाय कैसी गिरी होगी, वहां से ऐसे मुड़ाते थे। अच्छा तो गाइस ये लास्ट विलेज है अपना व्यास वैली का, कुटी नाम से, तो इसके आगे कोई भी विलेज नहीं है, ये सारे मतलब लास्ट विलेज है, इसके आगे सिर्फ जंगल और पहाड़ दिखेंगे आपको, सीधे उसके बाद आदि कैलाश है, तो मतलब यहाँ इसके बाद कोई लोग नहीं रहते, क्या बता आगे जाके रहेंगे लोग, लेकिन अभी कोई नहीं रहता यहाँ पर। और सामने ये मंदिर है, और ये चेक पोस्ट है हमारा लास्ट चेक पोस्ट इसके बाद ज्वालिंग टोंग आएगा, ज्वालिंग टोंग आएगा उसके बाद ज्वालिंग टोंग आएगा, इसके बाद तो उसके बाद सीधा आदि कैलाश आएगा, तो सारे सारे मतलब वेट करो, बहुत मजा आने वाला है। गाइस वो वाले पहाड़ में हमको जाना है, अभी तो ये बर्फ कुछ भी नहीं है, सामने टारगेट हमारा अपना वही है, वहाँ जाना है। गाइस एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, तो अभी हम पहुंचे थोड़ा सा पहले, इसका नाम है ब्रह्म पर्वत। तो गाइस ये है ये ब्रह्मवर, यहाँ से वैली का जो भी ये बर्फ़ पिघल के आ रही है वो यहाँ से आ रही है ऐसे, और ये है ब्रह्म पर्वत। आय हाय हाय हाय, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है कि मतलब क्या ही बताऊँ यार। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी आंखें, मेरी आंखें, सबकी आंखें देखने के लिए तरस गई थी, वो चीज जैसे जी वहाँ रहते थे वो जगह, हाँ मतलब रियल जगह, वो जगह जैसे जी वहाँ रहते थे रियल जगह, पार्वती कुंड और भीम की खेती, और फिर देन अपना आदि कैलाश, तो वो मेन चीज मैं आदि कैलाश में ले जाने वाला हूँ आपको, और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ उस जगह पर आके। तो आप चंदन बोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, पोचता चूट
शीशे गले में मुंडों की माला, माथे पे छोटा सा चंद्रमा, कपाल का कर मैं प्याला, जिसे देख कर भय व्यापे वो गले बीच लपटा काला। और तीसरे सब अपनी विश मांग लो, पाँच सेकंड दे रहा हूँ, बच्चों सर, एक दो तीन, मान ली विश, तो बस आप सब लोग की विश आई पूरी हो और आप लोग जीवन में तरक्की करो और लास्ट में यहाँ आओ आदि क्लास में, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ यार इस जगह पे आके, जय हो, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा रखी है, सब कुछ फ्री होता है, जितने भी यात्री होगा जो भी है खाना वाना जितना भी यहाँ से खाओ, मुझे लगा पहले इस पर पैसे देने पड़ते हैं बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा लगा मुझे। बालाजी सिंह जी के तरफ से ना, उनकी तरफ से नहीं, संत बलजीत सिंह करके है। वो तो है रोकने के बाद भी जा रहा है, वही नहीं अंकल भेज दो अंकल, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर है ना आपको नंदी महाराज है, आगे देखिए ये वाला पहाड़ है, जो आगे सब जो पहाड़ है ना आगे देखिए पूरा फेस बना हुआ है नंदी महाराज का, आगे फेस हाँ उस तरफ को मुड़े हुए है यला पहाड़ी सामने, ये आपका पार्वती माता का मंदिर। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। भैया थैंक यू सो मच, हमारे भैया जो घोड़े को चला रहे लग भी रहे हैं, लग भी रहे एकदम प्रोफेशनल। नाम बता दो अपना एक बार। वासु नाम है मेरा। कौन सा? वासु भाई। चलो भैया उसको बुला देते आइए चल रहे। हम लोग पहुंच गए पार्वती कुंड मंदिर में, ये देखो क्या सीन है, क्या सीन है। जन्नत है जन्नत। आप देखो महादेव के दर्शन खुले खुले हो रहे हैं, नंदी महाराज दिख रहे हैं इसे पूरा बैठे और यहाँ उनके सामने शिव जी भगवान। क्या व्यू है यार, कैसे हो सकता है यार इतना अच्छा यार, कैसे एक ही आवाज निकलती मुंह से, हर हर महादेव। वो देखो ना हाउ इट इज पॉसिबल यार, स्वर्ग की सीढ़ी है गाइस, सही कहानी का स्वर्ग की सीढ़ियां है ये। अब आपको वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिखाने वाला हूं मैं आपको, पार्वती कुंड। बहुत अच्छा भाई, मतलब बेस्ट फीलिंग, एक ही कृपा है सबको अच्छा लगे, सभी घर वाले खुशी दीजिए, सब मेरे ब्लॉग्स देखें बढ़िया अच्छा सब कुछ हो, जय हो इसीलिए। बाकी बाकी अपने ऊपर जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया, आने का सारे उल्टे काम छोड़ दे कहना चाह रहे थे। बाकी बाबा जी से ये प्रार्थना है कि सब अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, बढ़िया रखे, बढ़िया चीज सब। तो और क्या कहना चाहोगे आप, बोले नासिक क्या कहना चाहोगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह भाई के लिए मिलने
ओए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत भाई भाई यहाँ तक बहुत प्यार है। जिसका हुक्म होता है खुद ही आते हैं, ना कोई किसी को चलो बुलावा आया, पूरे नाच में बुलाया वाला सीन है ना। तो मैं तो भाई बहुत, मतलब वैसे कि मेरे मुंह से ना वर्ड से निकल रहा है, मैं इतना व्लॉगिंग में बोलता था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस चीज का, मैं क्या बोलूँ। Nowadays vloggers are not showing this, मतलब वो लोग ये चीजें नहीं दिखा रहे, और ये चीजें अगर वो दिखा दे तो फिर जीवन सफल है यार, सफल है। मैं आपको अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तो खुद ही लेके आ गया भगवान। हमारे एक दिन बना था इंस्टेंट प्लान बना था हमारा कि हम जाएंगे और सुबह हम निकले और यहाँ पहुंच गए भाई। दो दिन के ट्रैक में हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, और हमने कहा यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो उसके बीच में कहीं नहीं जाएंगे, ना मुंशारी ना कहीं, कुछ नहीं देखना। मतलब पूरा चेंज कर दिया हमने ना, और ये मतलब ऐसा हो गया कि मतलब क्या ही जो बताऊं, मेरे मुंह से कुछ वर्ड नहीं निकलने। अगर आज के कोई भी जनरेशन ये देख रही है तो भाई छोड़ दो हर जगह जाना, यहाँ आओ सफल हो जाएगा जीवन। मेरा तो हो गया भाई ने पानी लाया भाई, मतलब यहाँ के लोग इतना अच्छा मानते हैं ब्रो, मतलब सपोर्टिव एक और छोटा बच्चा सब यार, बच्चे से लेकर बड़े तक सब सपोर्ट कर रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच ब्रो। बात वही हो रही है ऊपर ही कैलाश पर्वत में, ठीक है यात्री। हाँ ओके यात्री, कृपया ध्यान दे। यस यस यात्री, कृपया ध्यान दे, आगे से रास्ता बंद कर दिया जाएगा, पहले जाना पड़ेगा। हमारा कहना है ये, हमारा टोरा है, वहाँ से पहले जाओगे, टोरा अपना। वो ऊपर से नीचे उतर जाए, नीचे आ जाए, ऊपर से ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली हम निकलते हैं यहाँ से, हो गया बस सफर आधा। मोटा भाई हाँ बस यार रखते हैं, बहुत बढ़िया। दिल तो गार्डन गार्डन फाइनली हम लोग आदि कैलाश से आ चुके। अब हम जा रहे थे थोड़ी देर पहले ओम पर्वत, ओम पर्वत जाते जाते क्या हुआ, यार कैसे हो सकता, मतलब मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े पहाड़ कैसे हो सकते हैं यार। हम हिमाचल के सोचते थे हा? और यहाँ देखो भाई कई कई बड़े हैं ये गाड़े, इनके सामने एक पत्थर का इतना छोटा सा भी हिस्सा नहीं है भाई, इतने बड़े हैं। और हम लोग ऊपर ही चलने में, मतलब ऐसा है ना कि सुबह से ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर 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 कई ऊपर पहुंच गए। और जहाँ अभी हम गए वहाँ तो गर्मी हो रही है, लेकिन सीन क्या पता है, आज गर्मी का सीजन चल रहा है, ठंडी के सीजन में वहाँ उसी जगह पे बर्फ पड़ी रहती बहुत ज्यादा, जाना मुश्किल है। मतलब वहाँ ऐसी जगह पे रहते थे शिवजी भगवान जी, यार बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो हम लोग भूल चुके हैं ना, आजकल नहीं बताते। आजकल सब अपनी मौज मस्ती में लगे हैं यार, ये वो दिस एंड दैट ऐसे, बट ये चीज धार्मिक चीजें दिखाना भूल गए। तो अब हम लोग करने वाले धार्मिक प्लेसेस एक्सप्लोर, बहुत सारे ब्लॉग्स में भी करेंगे, बहुत सारी अलग अलग जगह जाएंगे जहाँ धार्मिक चीजें हैं, तो बिल्कुल आपको ट्राई करेंगे अलग अलग जगह घुमाने का। ओम पर्वत भाई इतने बड़े पहाड़, विशाल पहाड़, डर जाओगे तुम। सामने भाई देखो, सामने देखो, सामने भाई ऊपर ना एक चोटी है काली डार्क, देखो ये देखो वो देखो हल्के में क्या, और हमारी थार रफ एंड टफ, बताओ रफ एंड टफ चलिए क्रेजी। मतलब थार को लाना बहुत अच्छा है यार, क्यों एक बार ना टायर चेंज कराना, कुछ कराना, कुछ ना इंजन खराब हुआ ना कुछ हुआ, मतलब ऐसा है कि श्रद्धा से आओगे तो श्रद्धा से सब कुछ अच्छी होती है। मतलब ना वो टाइम आ चुका है जहाँ हमको बाबा के दर्शन करने, ओम पर्वत जो बस शिवलिंग में पहुंचने वाला हूँ मैं, और बहुत खुशी की बात है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, सामने पे ओम पर्वत, ये नावी डाउन है, सामने पे ओम पर्वत जो अभी दिख नहीं रहा, पर दिख तो नहीं रहा है, बट बाबा के दर्शन ऐसे हो गए, दिख गए वो अपनी अंदरूनी इच्छा से, दिख गए वो, क्यों दिख गए वो। अरे बाबा यही है ना सामने, भाई सामने है पार्वती माता की नाभी, ये है नाभी डांग। तो गाइस आप लोग पहुंच चुके हैं नाभी डांग, सामने ओम पर्वत है बस अभी ढका हुआ है, और सामने पे शेषनाग पर्वत। कहते हैं जब ही शेषनाग पर्वत दिखता है तभी ओम पर्वत दिखता है, अभी शेषनाग पर्वत ढका हुआ है तो ओम पर्वत भी ढका हुआ है, और सामने पे है पार्वती माता की नाभी, और उसके ऊपर पे नंदी का सिर, और बगल पे शिव भगवान का हाफ फेस।
दूर दूर पहाड़ में भालू दिखा हमको, मतलब बाबा के साथ साथ हमको भालू के दर्शन हो गए थे। चलो तुमने देखा भालू है वहाँ भाई, उन्हें तो दिखाया भाई उन्हें तो दिखाया। तुम्हें कैसे दिख गया यार ये क्रेजी, तुम्हें दिख कैसे गया ये? बहुत बड़ा है सामने से और लग तो सेम भालू जैसा है। क्या बोला तूने? और लग तो सेम भालू जैसा है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई मानना पड़ेगा, तूने देखा कैसे भाई? कैसे देखे, पत्थर लग रहा है पता है? हाँ बूटी देखने में पत्थर लग रहा है। अरे पहले वो मूव कर रहा था भाई, वहाँ पर भालू और एक बंदा। भाई वो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया वो। वीडियो बनाना क्या हो गया था? क्या हो गया? हेलो भाई क्या हुआ? पानी का बोतल काटना पड़ेगा यार। शिट यार शिट, क्या हुआ भाई? यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है ना, यहाँ पर क्या हुआ? हेलो एक पानी का बोतल मांग दो। इतनी टेंशन शूट यार, क्या हो गया यार ये? टेंशन में क्यों भाई, क्या हुआ क्या हुआ? गाड़ी में 500 का पेट्रोल डालता है इसको डालते बताओ यार। गाइस कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, ऐसा सीन है कि यहाँ पर सोर्स नहीं है पेट्रोल वेट्रोल का, तो हमने ज्यादा तो अभी खत्म हो गया तेल, तो अभी हमारी गाड़ी का भी और याली गाड़ी का भी दोनों का तेल खत्म हो गया, तो तेल भरा रहे यहाँ से। ये पेट्रोल अब जाएगा, अब पेट्रोल इतना ही लिया। रुको रुको नहीं गिरेगा, सही कहती यार तुमने। गाइस भाई ने भर गया दोनों गाड़ियों में तेल ना, अब भाई सांस थोड़ी की जा पाएंगे आगे। चलो आज के कोई भी जनरेशन नहीं देख रही है, तो भाई छोड़ दो हर जगह जाना, यहाँ आओ सफल हो जाएगा जी। हो चंदन बोला नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसाए आप बसे भी।